हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जागृति आर्ट एंड क्राफ्ट। आज हम लेके आए हैं एक प्यारी सी ड्राइंग ऑयल पेस्टल एक्रेलिक कलर के साथ। इसे बनाने के लिए हमने सिंपल A3 साइज के ड्राइंग बुक का यूज़ किया है। साइड में हम 1/2 इंच के मास्किंग टेप से बॉर्डर क्रिएट कर रहे हैं, जिससे लास्ट में हम नीट एंड क्लीन बॉर्डर बना सकें। चारों तरफ इस तरह से हम मास्किंग टेप लगा देंगे। फिर 1 इंच के टेप को छोटे छोटे टुकड़े में 1 से 1.5 इंच के टुकड़े में काट के मैं इस तरह से एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए आपस में यहाँ पे चिपका दी और उस पर एक सर्कल क्रिएट कर ली। अब उसको इस तरह से धीरे से निकाल के उस सर्कल को हम कट कर लेंगे। हम जो ड्राइंग बना रहे हैं उसमें हम सनराइज दिखाने वाले हैं, तो जहाँ पे हम सन बनाएंगे वहाँ पे हमको ये सर्कल लगाना है, जिससे बाद में सर्कल को निकाल के हम वहाँ पे सन बना सकें। आगे हम इसे कलर करने के लिए रेड, ऑरेंज और येलो कलर का यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हम रेड कलर से इस तरह से शेडिंग देना स्टार्ट करेंगे। साइड साइड से रेड कलर हम ज़्यादा लेंगे, उसके बाद हम उसमें ऑरेंज कलर करेंगे। रेड कलर के अंदर भी हमको ऑरेंज कलर करना है और सर्कल के पास थोड़ी सी जगह छोड़नी है और उसमें हम येलो कलर करेंगे। रेड, येलो, ऑरेंज तीनों शेड को मिलाते हुए इस तरह से हम इसमें कलर करेंगे पूरे पेज पे। जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे रेड कलर को कम करते जाएंगे, ऑरेंज और येलो कलर को बढ़ाते जाएंगे। इस तरह से पूरे पेज पे हमें एक बैकग्राउंड क्रिएट करना है। बच्चे और बिगनर अगर ध्यान से देखेंगे तो बहुत इजी तरीके से इस बैकग्राउंड को क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से पूरे पेज पे कलर करने के बाद अब हम एक कॉटन के कपड़े से इस पूरे कलर को स्प्रेड करेंगे और अच्छी तरह से अगर हम इसको स्प्रेड कर देंगे तो इसमें इतना चिकनापन आ जाता है कि दूर से देखने पे ऐसा लगता है कि हमने वाटर कलर या एक्रेलिक कलर यूज़ किया है। ऑयल पेस्टल कलर से पेंटिंग बनाना बहुत अच्छा है। इसमें शेडिंग भी बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी से आते हैं। बच्चे और बिगनर के लिए तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे शेडिंग देना बहुत इजी हो जाता है एक्रेलिक कलर के अपेक्षा। एक्रेलिक कलर और वाटर कलर में शेडिंग देना थोड़ा टफ होता है, ऑयल पेस्टल में देना बहुत इजी हो जाता है। अब हम ब्लैक एक्रेलिक कलर लेंगे और उसमें हमने एक मोटा ब्रश लिया है और उसके टॉप पे बहुत हल्का सा कलर लगा के हम इस तरह से नीचे से ग्रास क्रिएट कर रहे हैं। नीचे से ब्रश को पूरे स्टैंडिंग में खड़ा करके हमको इस तरह से ब्रश को पीछे की बॉर्डर के साइड से आगे की साइड पे लेना है। इससे एक ग्रास का लुक आ जाएगा। बस ब्रश से कलर करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि ब्रश बिल्कुल ड्राई हो और कलर केवल टॉप पे लगा हो। अब पतले ब्रश से हम यहाँ पे एक ट्री बना रहे हैं। हम फ्री हैंड बना रहे हैं। अगर आपको बनाने में दिक्कत हो तो आप पेंसिल से पहले ट्री ड्रॉ कर ले, उसके बाद उस पर ब्लैक एक्रेलिक कलर धीरे धीरे फील कर लीजिए। वैसे ट्री बनाना बहुत ईजी है, क्योंकि इसमें हमको ये नहीं सोचना है कि ये ऐसा ही बनना चाहिए। ट्री की डालियाँ तो किसी भी शेप में हो सकती हैं। बस इस बात का ध्यान देना है कि जो हम ब्रांचेस बनाए आगे के साइड से पतली हो और जहाँ पर वो ज्वाइंट होती हैं वहाँ पर वो मोटी हों। और बहुत ईजी तरीके से इस तरह से हम इसमें ट्री क्रिएट कर सकते हैं। और हाँ, अगर बच्चे बहुत छोटे हैं, वो एक्रेलिक कलर और ब्रश से ड्राइंग नहीं कर पा रहे हैं, तो यही ड्राइंग वो यहाँ पे एक्रेलिक कलर का यूज़ न करके परमानेंट ब्लैक मार्कर का यूज़ करके भी बना सकते हैं, या जो हमारी एक पेंसिल आती है उससे भी बना सकते हैं। अब फिर से उसी ब्रश को अच्छे से ड्राई करके उसके टॉप पे हल्का सा एक्रेलिक कलर लगा के हम इस तरह से टैप टैप करके ट्री कंप्लीट करेंगे। इससे बहुत अच्छे से और बहुत इजी तरीके से और बहुत अच्छा ट्री बन जाता है, और बच्चों के लिए तो ये बहुत इजी है, बहुत आराम से बना लेंगे। अब एक रफ पेज पर हम अफ्रीकन लेडी ड्रॉ कर रहे हैं। इस तरह से आप रफ पेज पे ड्रॉ करके उसके बाद ही फाइनल कॉपी पे बनाइएगा, क्योंकि अगर कोई मिस्टेक्स होगी तो आप उसको इरेज कर सकते हैं। फाइनल कॉपी पे इरेज करेंगे तो बैकग्राउंड ख़राब हो जाएगा। इस तरह से रफ पेज पे आप ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद उसी पेज को पेज पे रख के, फाइनल पेज पे रख के पेंसिल को थोड़ा प्रेस करके आप ड्रॉ करेंगे, ऊपर से ओवरलैप करेंगे तो बहुत आसानी से इस पे एक डिज़ाइन ड्रॉ हो जाएगी। उसके बाद आप पेंसिल से उस डिज़ाइन को ड्रॉ कर लीजिए। अगर आप
फ्री हैंड ड्रॉ नहीं कर सकते हैं तो गूगल से पिक्चर निकाल के आप उसका प्रिंट आउट निकाल के भी इस पर बना सकते हैं। उसके बाद एक पतला ब्रश लेके हमने जो डिज़ाइन अफ्रीकन लेडी की ड्रॉ की है उसको धीरे धीरे कलर कर लेंगे। यहाँ पे हम ब्लैक कलर से जो हमने अफ्रीकन लेडी ड्रॉ की है उसको पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप ये फ्री हैंड नहीं ड्रॉ कर पाते हैं तो स्क्रीनशॉट लेके आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, और अगर आप दूसरी कोई लेडीज ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसकी बहुत सारी गूगल पे पिक्चर्स मिलते हैं जिसे आप प्रिंट आउट निकलवा के और उसको यहाँ पे ट्रेस करके बना सकते हैं। इस तरह से हमने ये अफ्रीकन लेडीज को यहाँ पे बना दिया है। अब हमारे पास ये 3D कोन लाइनर है, उसके ड्रेस को थोड़ा सजाने के लिए हम इस 3D कोन लाइनर का यूज कर रहे हैं। आप अगर 3D कोन लाइनर ना हो तो एक्रेलिक कलर का भी यूज कर सकते हैं, या फिर जो भी कलर आपके पास है उस कलर से आप इस पे ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने बहुत सिंपल और इजी डिजाइन ड्रॉ की है जिससे बिगनर और बच्चे इजीली इसे ड्रॉ कर सके, और ये बहुत इजी है बनाना और कोई भी इसे आसानी से बना सकता है। हम अपनी ड्राइंग में वही चीजें यूज करते हैं जो नॉर्मली हर बच्चे के पास होता है, इसीलिए हम सिंपल ड्राइंग बुक पे ही ये ड्राइंग बनाते हैं जिससे बच्चों को ये ना लगे कि ये अगर हम दूसरी पेज पे अच्छे पेज पे कैनवास पे बनाएंगे तो ही ड्राइंग अच्छी बनेगी। अब उसके बाद जब हमारा ये लेडीज कंप्लीट हो गई तो हमने टेप को निकाल दिया और उसमें एकदम लाइट लेमन येलो से कलर कर लिया। कलर करने के बाद फिर से हम इसको कपड़े से अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अब ये हमारा पेंटिंग बनके रेडी हो गया। अब साइड के बॉर्डर को हम जो टेप लगाए हैं उसको निकाल देंगे और एक प्यारी सी पेंटिंग हमारी बनके रेडी हो गई जिसे आप फ्रेम में लगा के अपने घर में डेकोरेशन में लगा सकते हैं। आपको हमारी ये पेंटिंग कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।